हाय एवरीबॉडी, आपका चैनल अपनी मंजिल में आपका स्वागत है। ये आपका चैनल है और इसको आपको ही बढ़ाना है अपने सदस्यों को जोड़कर। हम लोग आज सीरीज चालू करने वाले हैं विविध जीके की, जिसमें 5000 क्वेश्चनों का टारगेट है एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के पेपर तक, जिसमें से पहला आज 20 क्वेश्चन का सेट या 40 क्वेश्चन का सेट आपको दिया जाएगा। इसकी पीडीएफ आप नीचे से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें नीचे एक लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, केवल आपको याद करने। अभी ये केवल सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, जो इसमें अभी आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। बाद में जो हम लोग टेस्ट लेंगे तो ऑप्शन सहित लेंगे, अभी केवल इनको याद करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? इसका क्वेश्चन का आंसर है घर्षण। दूसरा, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? न्यूक्लियॉन क्या होता है, मैं समझाता हूँ। ये नाभिक होता है, एक परमाणु, परमाणु के अंदर ये छोटा सा नाभिक। नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इन्हीं को हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो इसका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है, वो हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। किसने सत्याग्रह और श्री पृथ्वी बल्लभ उपाधियां धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने लिखा, जिन भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका व एल्यूमिनियम से होता है? भूपटीय का। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का कौन सा व्यस्त अंग है जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है? वो है हृदय। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्यात की त्रु प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? वो है निर्यात का विविधीकरण। अगला क्वेश्चन, बदामी या वतापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अबलो नसानी अब ना नशे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? विनय प्रतीका में। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आता है, रेबीज का टीका किसने बनाया? ल्यूस पाश्चर ने। ये रेबीज का टीका तब लगता है जब कोई कुत्ता काट देता है, और इसकी खोज करी है लुईस पाश्चर ने। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम? नीलम संजीव रेड्डी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? जयसिंह और शिवाजी के मध्य। अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसका क्वेश्चन का जवाब होगा मोहम्मद हुसैन को। अगला, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन,
बहुत क्वेश्चन अच्छा है। जैसे पूछा गया पृथ्वी किस परत को सियाल परत भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, भूपटी को किसको कहा जाता है, भूपटीय को। अगला क्वेश्चन, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राजा था, हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। किसको सीसी कलम की उपाधि से नवाजा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसको सीसी कलम की उपाधि से नवाजा गया था, बताइए इसको किसके जवाब आता है। अब्दुस मत, किसको नवाजा गया था, अब्दुस मत को। अगला क्वेश्चन है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मिला, मेरा मिला लो, इसका पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, सोहन लाल द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है, शीशा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है, तो आप बोलते पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दीवान ए रियासत नियुक्त किया था, मलिक याकूब को। अगला क्वेश्चन, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है, गजल गायकी से। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, ये प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का होता है, तो पूछा जा रहा है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, 9.46 × 10^12 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित होती है, सूर्य किरण से। अगला क्वेश्चन, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है, 640। अगला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, वन जीव पर फिल्म निर्माण से। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, देखिए पदार्थ का संवेग क्या होता है, P=mv, और किसका अनुपात कह रहा है, वेग का अनुपात, तो वेग से वेग कट गया तो क्या बचेगा, केवल m, तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान। अगला, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कपलानी। अगला क्वेश्चन, लोहा और गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है, असमांग मिश्रण, एक होता है समांग मिश्रण एक होता है असमांग मिश्रण, तो लोहा और गंधक का मिश्रण कैसा है, असमांग मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किस दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था, तो आपको इसका क्वेश्चन का जवाब याद रखना है, शाइस्ता खा को। अगला क्वेश्चन, यहूदी मेनुहिन किस वाद यंत्र के प्रमुख वादक हैं, तो ये वायलिन बजाया करते थे, वायलिन। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जा रहा है बार बार। सौर कलंक, सौर कलंक। अगला, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? हृदय का। अगला, जनसंख्या के तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वह असद खां को वजीर बनाए? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन, हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पॉप गायकी से, पॉप गायकी, पॉप गायकी से। ये 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट टर्न में अगले फिर अगले 40 क्वेश्चन अगले दिन आएंगे, और आप इसकी PDF का लिंक नीचे आपको दे दिया जाएगा जिसे आप आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को उसको सब्सक्राइब करने के लिए लिंक भेजें प्लीज़।